Hello students, welcome to my exam solution, and today we have a topic that MEG solve assignment of British poetry. So these are the solve assignment which I am providing in my site, also in this video. So MEG 1 ke assignments jo hai IGNU dwara launch ho chuke hain, aur British poetry mein kya kya questions hai aur unko kaise solve karna hai, तो वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. तो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु हैव एमईजी 1 ब्रिटिश पोएट्री. सो अब जान लेते हैं कैसे आप लोग सॉल्व असाइनमेंट ले सकते हैं या लिख सकते हैं. तो इन सॉल्व असाइनमेंट, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ब्रिटिश पोएट्री का सॉल्व असाइनमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ अपनी साइट पे. सो आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे हम सॉल्व असाइनमेंट ले सकते हैं. देखिए, सबसे पहले गूगल क्रोम खोला मैंने. यहाँ पे जस्ट आपको सर्च करना है जिस नेम से, तो मैंने यहाँ पे जैसे ऑलरेडी कॉपी कर रखा है ये लिंक, आप डाल सकते हो MEG 01 असाइनमेंट 2019 to 2020. अब आप एंटर कर सकते हैं. तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सर्च में कई सारे रिजल्ट आएंगे, लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व असाइनमेंट है वो आपको मेरी साइट पे मौजूद मिलेंगे. तो यहाँ पे आपको लिंक जैसे कि शो हो रहा है ये MEG 1 ब्रिटिश पोएट्री सॉल्व असाइनमेंट बाय माय एग्जाम सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, और इन ये जो है क्वेश्चन का पेज है, जैसे आपके ब्रिटिश पोएट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का ये पेज है. तो है, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है या इसको इस पे जाना है, तो मैंने ये राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर लिया. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है. तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ये एक पोएट्री का पार्ट दिया हुआ है और इस पोएट्री को आपको एक्सप्लेन करना है. तो ये मैंने अपने अपनी साइट पे काफ़ी इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करवाया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. जिसमें जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम द कैंटरबरी टेल्स नंस प्राइस टेल. तो ये कैंटरबरी टेल्स जो हमारे जॉर्जफ्रे चौसर ने लिखी थी उसके उसमें से है. कैंटरबरी टेल्स इज़ वेरी फेमस एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि आप पोएट्री बिना चौसर के अधूरी है. यानी कि एक डायलॉग अगर मैं बताऊं आपको, तो कोई भी पोएट्री, ब्रिटिश पोएट्री, तो इनफैक्ट बिना चौसर के बिल्कुल अधूरी है. तो कैंटरबरी टेल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरी की पूरी. ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये हमारे असाइनमेंट हैं, ये क्वेश्चन का आंसर है. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैंने ओपन न्यू टैब कर दिया. हमसे माई लव इज नाउ वेक आउट ऑफ अवर ड्रीम्स एंड अ फेयर आईज लाइक स्टार्स दैट डीम्ड वर With darksome cloud now shew their goodly beams, more bright there, more bright than Hesperus his head doth rere. So head doth rere. So this is the poetry, और ये कुछ लाइनें हैं Epithalamion जो कि हमारे एडमिन स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है. और एपिथैलेमियन के की पोइट्री के काफ़ी अच्छे ये लाइनें हैं, और ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ इस आंसर में, आप देख सकते हैं. चेंज करने हैं इनमें से कुछ दो ही आरटीसीज हमें सॉल्व करनी है. तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हाईलाइट साइलेंट फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म विथ इलास्ट्रेशन फ्रॉम दी पोएम्स prescribed for studies. तो ये हमें रोमांटिसिज्म इलस्ट्रेट करना है अपने आंसर में, और ये मैंने काफ़ी अच्छा आंसर इसमें बनाया हुआ है. आप पहले तो क्या कर सकते हैं, पहले रोमांटिसिज्म क्या था भाई और कैसे स्टार्ट हुआ, क्या मूवमेंट था, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आंसर में. देन उसके बाद आप उसके बारे में बता सकते हो कि क्या ये लिटरेरी मूवमेंट था और किस तरह से ये डिस्क्राइब हुआ था. उसके बाद आप इसके साइलेंट फीचर जो कि मैंने दे रखे हैं ये
अपने आंसर में कि भाई साइलेंट फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म आप एक्सप्लेन कर सकते हो. सो द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ आर्टिकुलेशन एंड इंडिविजुअल इंक्लिनेशन. ओके, तो बहुत अच्छे से मैंने इसलिए इसको हाईलाइट भी कर रखा है सो दैट यू कैन राइट इजीली एंड यू कैन अंडरस्टैंड द मेन और मेजर पॉइंट्स. ओके, सो यहाँ तक हमारा ये सेकेंड आंसर खत्म होता है. नेक्स्ट हमारा थर्ड आंसर है, ये भी हमारे स्पेंसर की पोइट्री से रिलेटेड ही है. सो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है. अटेम्प्ट कंपैरिजन बिटवीन एपिथैलेमियन एंड द प्रोथैलेमियन. सो ये जो दोनों पोइट्रीज हैं ये स्पेंसर के द्वारा लिखी गई हैं. सो फर्स्ट व्हाट यू कैन डू, फर्स्टली यू कैन एक्सप्लेन द बोथ पोइट्रीज एपिथैलेमियन. सो ये आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो फर्स्टली बोथ द पोइट्रीज एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द कंपैरिजन बिटवीन टू पोइट्रीज. सो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा आंसर आपको प्रेजेंट किया है कि भाई ये दो पोइट्रीज में जो कंपैरिजन है वो हम इस प्रकार कर सकते हैं. तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है. मैंने इसको भी सीरीज वाइज आपको शो कर दिया है. आप यहाँ से भी लिख लो और साइड पे से जाके देखना है तो वहाँ से भी देख सकते हो. बोथ द थिंग इज अवेलेबल. ओके, सो देन यहाँ पे आता है मिल्टन के बारे में. मिल्टन ऑब्वियसली बात है, मिल्टन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पोएट्रीज भी इन्होंने लिखी है अपनी, जैसे पैराडाइज लॉस्ट. ओके, पैराडाइज लॉस्ट की सारी बुक्स में उन्होंने अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन किया है सैटर्न को. ओके, वर्ल्ड का बहुत अच्छा वर्णन है जो मिल्टन के द्वारा किया गया है. तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, वुड यू एग्री दैट मिल्टन रिफ्लेक्ट्स ऑन ब्लाइंडनेस इन सोनेट्स 19 and 23. सो गिव द रीजन आंसर. तो आपको रीजन आंसर देना है, ठीक है. तो मिल्टन की ऑन ब्लाइंडनेस जो पोएट्रीज हैं, जो उनके सोनेट्स हैं 19 and 23 का आपको वर्णन करना है. तो यहाँ पे पहले तो यू कैन एक्सप्लेन अबाउट मिल्टन दैट इन्होंने इतने सोनेट्स लिखे हैं और इनमें से इनका ये रिदम रहता था, ये इनका राइम स्कीम रहता था. ओके, देन यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट हाईलाइट भी कर रखे हैं आप लोगों के लिए और इनसे आपको क्या है एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी काफी ज्यादा. तो ये सोनेट 19 है विच आई एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन. देन वी हैव अ फिफ्थ क्वेश्चन एंड विच इज लास्ट क्वेश्चन इन दिस पोएट्री सेक्शन. सो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन. Would you consider Sylvia Plath's daddy to be an expression against the voice of patriarchy? Comment critically. तो इसमें ना आपको critically comment करना है, यानी कि जो ये Sylvia Plath है इनका जो work है तो इनके work का आपको critically analysis करना है. So what I have done, तो ये इस तरीके से मैंने पहले सिल्विया प्लैथ के डैडी का एक्सप्लेनेशन किया है, देन उनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इससे आपका एक बैलेंस आंसर होगा. फिनिश होता है इसी के साथ, ब्रिटिश पोएट्री भी हमारा फिनिश होता है. अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बता सकती हूँ कि मतलब आप असाइनमेंट सर्च करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, इसको सिलेक्ट करके आप कॉपी भी करेंगे ना कंट्रोल सी के साथ. जैसे आपके कोई असाइनमेंट, आपके पास असाइनमेंट तो हो गई क्वेश्चन पेपर्स, तो आप क्वेश्चन को भी जब सर्च करेंगे ना यहाँ पे सर्च में गूगल के पेस्ट करेंगे तो भी आपको इस माई एग्जाम सॉल्यूशन की साइट का लिंक मिल जाएगा. ऐसे सिर्फ यहाँ पे आपके सबसे टॉप पे यही आ रहा है. ओके.